वडोदरा के ऐतिहासिक वैश्य सिद्धनाथ तालाब की आज डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हसमुख प्रजापति के साथ स्थानीय काउंसलर ने मुलाकात लेते हुए यहां पर ढेरों गंदगी का साम्राज्य पाया था। ऐसे में एक बार फिर ये तालाब की सफाई कामगिरी करने के साथ तालाब में गंदगी न फैले उसको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी तैनात करने के लिए रजूआत की गई है। वडोदरा शहर का ऐतिहासिक सिद्धनाथ तालाब जो हर बार ढेरों गंदगी से बदबदने के कारण चर्चा का स्थान रहता है, ऐसे में आज सिद्धनाथ तालाब की स्थानीय काउंसलर जागृतिबेन काका सहित डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हसमुख प्रजापति ने मुलाकात लेते हुए तालाब का निरीक्षण किया था। जो ये तालाब के निरीक्षण और मुलाकात के दौरान यहाँ पर ढेरों जंगली वनस्पति का साम्राज्य तथा ढेरों गंदगी को पाया गया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेड ऑफिस जहाँ आई हुई है उसी के ठीक पीछे ऐतिहासिक सिद्धनाथ तालाब भी आया हुआ है, लेकिन तंत्र की घोर बेदरकारी और लापरवाही के कारण आज ये ऐतिहासिक तालाब की हालत काफी बद से बदतर हो चुकी है। सिद्धनाथ तालाब गायकवाड़ी शासन के दौरान बनाया गया है, लेकिन कॉर्पोरेशन ने ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च करने के बावजूद उसका रख रखाव करने में असफल बना है, जिसको लेकर एक बार फिर ये तालाब को गंदगी के दाग लगे है, जिसको लेकर आज स्थानीय काउंसलर जागृतिबेन काका सहित डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हसमुख प्रजापति ने तालाब की मुलाकात लेते हुए यहाँ पर अधिकारियों को तालाब की सफाई करने के लिए सूचन दिए थे। साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा जिस प्रकार से तालाब में गंदगी फैलाई जाती है उसे रोकने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात किया जाएगा, वैसी जानकारी स्थानीय काउंसलर द्वारा दी गई थी। हाँ सर, सिद्धनाथ तालाब में इश्यू से अंदर गंदगी से बीजो त्या थोड़ी करवानी है, एना स्थल मुलाकात करी है। अधिकारी श्री ने सूचना आपी है, दसेक दिवस में तला में जो गंदगी है साफ थी जैसे अँ वृक्षारोपण कामगिरी चालू कर आजूबाजू विस्तार नागरिकों से अँ तला में पूजा विधि सामान राखता हो तो एना अलग थी व्यवस्था कर जगह पर फिक्स करेली जगह पर पूजा सामग्री जो सामान से राखा एनी व्यवस्था करना है। जे नागरिकों करें दंड करने सूचना अधिकारी ने आप सर फ्रूटना व्यापारी वारंवार दबाण करता है राहदारी फायर विभाग ने तकलीफ पड़े शू रह जो रोड पर जे दबाणों जे रस्ता पर दबाण हे तो ये हटा कार्यवाही आज सिद्धनाथ तला मुलाकात ली थी शू सिद्धनाथ तला मुलाकात डेप्यूटी कमिश्नर साहेब साथ लीधी आज विस्तार लोगों की रजूआत थी जे बहार तला में कचरो नाखे तला पोते गंदगी उत्पन्न नहीं करतु बहार पब्लिक गंदगी करती हो वच्चे बे त्रण महीना पहला पण तळाव साफ करावी होतुं आवता जता पब्लिक कचरो नाखी जाए अंदर धार्मिक विधि करवा माटे लोको आवता होय छे ए पण अंदर कचरो नाखता होय छे एना माटे आजे डेप्यूटी कमिश्नर साहेब ने रजूआत करी कि अहींया सिक्युरिटी नी जरूर छे एटले अहींया आगे सिक्युरिटी मूकवामां आवशे हवे अने जे पण कोई अहींया कचरो नाखशे एने फाइन कम्पलसरी फाइन भरवो पड़शे। मैडम वारंवार फ्रूटना व्यापारी द्वारा दबाण करता है तमने भी अड़चन पड़े तमे भी आना रजूआत करी है कायम शू कहते हैं बस एना माटे पण डेप्यूटी कमिश्नर साहेब ने अत्यारे बतावियुं छे के आवी रीतना आटला दबाणो होय छे एटले ए लोकोने पण हवे रोजनी नोटिस आपवामां आवशे अने फ्रूटना व्यापारीओने अनेकवार समजाव्या छे पण नथी मानता ए लोको के जे बहारथी लोको आवीने ટેમ્પામાં ડાયરેક્ટ ધંધો કરતા હોય છે અને આવવા જવાનું જગ્યા પણ નથી રહેતી સિનિયર સિટીઝનોને ખૂબ તકલીફ પડતી હોય છે અને ક્યારે પણ વિસ્તારના લોકોને કે વડોદરાના નગરજનોને કોઈ પણ તકલીફ પડે એ અમે ક્યારેય ચલાવવામાં નહીં આવે।